मेरा मकसद कुमारी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का बिल्कुल टॉप मॉडल जो कि अल्फा वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में आज हम इसी कार को देखने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर डेक्सचर में ऑफर करे जाते हैं। 11,50,000 रुपीज का इस कार का एक शोरूम प्राइस है। और फिर इतने प्राइस में आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। से हेडसअप डिस्प्ले हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, और फीचर्स की कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होती अगर आप इस कार को इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर से भी देखते हैं तो। एलईडी डीआरएस ऑन होने के बाद तो बिल्कुल गजब लगती है फ्रंट से देखने में। एक एक करके हम सभी फीचर्स को हम देख लेंगे, क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस कार के इंटीरियर में। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि जेटा वेरिएंट था, उस वाले वेरिएंट से 95,000 रुपीज एक्सपेंसिव है वाला वेरिएंट। फिर फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस रहता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उस वाले वेरिएंट में आपको ऐसे एलओवीज नहीं मिलते और ना ही आपको उसमें 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ना ही हेडसअप डिस्प्ले। कुछ ऐसे हाई एंड फीचर्स आपको जेटा वेरिएंट में नहीं मिलते, उन फीचर्स के लिए आपको अल्फा वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट की साइड आना होगा। इस टाइम मैं खड़ा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर रुड़की उत्तराखंड में। इनके कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो रही होंगी। आपको कोई सी भी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्वागत हूँ मैं इस कार की की से। तो उस तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी, की लेस एंट्री रहने वाली है। इस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, और दोनों ही की सेम रहेंगे इस कार में। ये रही फ्रंट प्रोफाइल। और फ्रंट में आपको एलईडी डीआरएस मिल जाएंगे और एलईडी इंडिकेटर जो कि डुअल फंक्शनिंग के साथ रहते हैं। ये ग्रिल इस कार की क्रोम मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया। ये इस कार के हेडलैम्प्स एलईडी हेडलैम्प्स हैं। और फिर ओवरऑल कुछ सही लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। नीचे एक साइड होगी सिल्वर स्किट प्लेट, उस साइड से देखने तो बिल्कुल गजब लगती है अलॉय व्हील्स की वजह से। मशीन्ड अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको इस कार में, 16 इंच के रहेंगे, 195/60 R16 की प्रोफाइल रहने वाली है। इनसे ऊपर एक साइड होगी क्लैडिंग जो की कार की पूरी बॉडी तक रहेगी। इस कार का ORVM जो की आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। नीचे साइड कैमरा हो गया, इंडिकेटर भी आपको इसी पर ही मिल जाता है। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, ऊपर एक साइड होगी रूफ रेस, बी पिलर ब्लैक कलर का, और विंडो क्रोम गार्निश दी जाती है। और डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का, उसी पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा। ये इंटीरियर इस कार का देखने में तो पूरा सिमिलर है बलिनो के, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अलग रहता है इस कार के इंटीरियर का। ये करके सभी फीचर्स को हम देख लेंगे क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस कार में। ये ORVM के कंट्रोल, फिर ये साइड प्रोफाइल इस कार की। डायमेंशन वाइज भी देखते हैं तो काफी बढ़िया लगती है इस कार की डायमेंशन। साइड से देखने में आपको थोड़ी ऊंची लग रही होगी, वैसे डायमेंशन तो सिमिलर है बलिनो के, लेकिन आपको ऊपर की साइड रूफ रेस मिल जाती है। रेडी कंबाइन लुक बैक साइड प्रोफाइल की, एक ऐसा डिफरेंस है बलिनो से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं वो है एलईडी टेल लाइट। ऑन होने के बाद तो बिल्कुल गजब लगती है बैक से देखने में। ऊपर साइड हो गया शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर, हाई मेट स्टॉप लैंप, रेयर डिफोगर, बोशर्ट, वाइपर जैसे फीचर्स हो गए। नेक्सा का स्टिकर हो गया, ये एलईडी टेल लाइट और एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे आपको जो कि बेस मॉडल से ऑफर हो जाते हैं, जहाँ की आपको बलिनो के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग हो गई, फ्रॉन्क्स की बैजिंग हो गई, रिफ्लेक्टर्स और 4 पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं। नीचे साइड होगी सिल्वर स्किट प्लेट। ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की बैक प्रोफाइल। तो चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में मिल जाएगा। 308 लीटर का हो गया इस कार में बूट स्पेस। 5 ट्रे मिल जाएगी और ये लगेज लैंप, टूल किट हो गई, और ये स्पेयर व्हील। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखा कुछ नए फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर से मिल जाते हैं, जैसे एलईडी व्हील्स हो गई, एलईडी डीआरएस हो गई, बैक से एलईडी टेल लाइट तो बिल्कुल देखने में गजब लगती है। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहेगा अगर आप इसको कंपेयर कर दे इसके लोअर वेरियंट यानी कि जेटा वेरियंट से, तो इंटीरियर में काफी बढ़िया फीचर्स इस कार में जो कि हाई लेवल के रहने वाले हैं। ये करके उन फीचर्स को भी हम देख लेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया दिया था 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है। इतने प्राइस में जो एक्सटीरियर में डिफरेंस है वो एलईडी व्हील्स हो गए, जैसे आपको ऑटो फोल्डिंग ORVM मिल जाएंगे, और यूवी कट विंडोज हैं, और ज्यादा फीचर्स में डिफरेंस इंटीरियर में है। ये करके सभी फीचर्स को देख लेंगे। तो इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 98 BHP की पावर, 147 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर में रहती है कार। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इस कार के इंटीरियर में। साथ ही 3-टोन कलर में रहने वाला इस कार का इंटीरियर देखने में काफी बढ़िया लगता है। वही पैटर्न आपको इसके डोर पे दिखाई देगा। डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, लेदर फिनिश हो गई यहाँ पर, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, बाटरबोर्ड स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने के स्पेस और स्पीकर। और बाहर से देखने में कुछ अलग लगता है डैशबोर्ड इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का। और ये बैक डोर इस कार का, डोर ओपनर क्रोम कलर का हो गया, पावर विंडो कंट्रोल, लेदर फिनिश हो गया यहाँ पर, बाटरबोर्ड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस और स्पीकर। रहने वाला इस कार का इंटीरियर, पूरे हाई एंड फीचर्स मिलने वाले आपको इस कार के इंटीरियर में। एक करके सभी फीचर्स को देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाने वाले आपको इस कार के इंटीरियर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आप स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। और लेदर रैप मिल जाता है आपको स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हो गए, स्टीयरिंग मॉडिफाइड कंट्रोल, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, सर्कुलर में आपको यहाँ पर क्रोम मिल जाएगा,
यहाँ पर दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश, डी कट स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें से देखने में काफी स्पोर्टी लगता है इस कार का स्टीयरिंग व्हील। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 मीटर हो गया यहाँ पर, और ये रहा स्पीडोमीटर, और बीच में मिल जाएगी आपको उसमें MID, इसमें इसके फ्यूल का कितना चलेगी, कार का माइलेज दे रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखती रहेंगी। और ये रहा ड्राइवर साइड एसी वेंट, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी, 360 डिग्री कैमरा का हो गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, 9 इंच का मिल जाएगा उसमें टच स्क्रीन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पर कार प्ले के साथ रहता है। और ब्राइटनेस भी देखते हैं तो काफी बढ़िया रहती है इसकी। यहाँ पर हो गया पियानो ब्लैक फिनिश, जिस वजह से देखने में काफी प्रीमियम सा लगता है सेंटर कंसोल इस कार का। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पर सिल्वर फिनिश हो गई, और 3 टोन कलर्स में रहेगा इस कार का डैशबोर्ड। फिर आपको यहाँ पर ग्रे फिनिश भी मिल जाती है, जिस वजह से देखने में इंटीरियर उस कार का काफी प्रीमियम लगता है। और आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC, उस तरह कंट्रोल्स रहेंगे यहाँ पर, USB सॉकेट हो गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी इस कार में दिए गए हैं, 12 वोल्ट के लिए हो गया यहाँ पर स्पेस, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी कार, उस तरह का आपको इसमें नोब मिल जाएगा। और ये रहा हैंड ब्रेक, ये रहा आर्मरेस्ट, विद स्टोरेज, वो यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है। और ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर वैनिटी मिरर मिल जाएगा आपको यहाँ पर कैबिन लैंप के साथ, और ये रहा कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में रहेगा, ऑटो डिमिंग हो गया इस कार का IRVM, सनवाइजर वैनिटी मिरर वैनिटी लैंप के साथ, ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की रहेंगी इस कार की फ्रंट सीट्स, जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, काफी बढ़िया साइज रहने वाला है इस कार के ग्लव बॉक्स का, कूल्ड ग्लव बॉक्स रहेगा। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, वाटर बोर्ड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, स्पीकर हो गए। तो ये तो बात है इस कार के फ्रंट सीट पर बैठ के जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब मैं लेके चलता हूँ इस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो वैसे कितना लेग रूम मिल जाएगा उस कार में, लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। और रेयर सीट और बैटरी को उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड इस कार का, पूरा स्पेसियस कैबिन रहेगा इस कार का, फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि 3 रहेंगे। आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है, 60 रेशियो 40 में आप रेयर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। रेयर इसी वेंट्स हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर हो गए चार्जिंग सॉकेट जो कि टाइप सी में रहेंगे पोर्ट, ग्रैब हैंडल हो गया, यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाएगा, और ये रहा बैक डोर, डोर में क्रोम कलर का हो गया। ओवर उस तरह का इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। तो उस तरह का इस कार का बैकग्राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर डायरेक्शन में मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा बिल्कुल हाई लेवल के फीचर्स रहने वाले इस कार में, जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया, हेडसअप डिस्प्ले हो गया, 9 इंच का आपको उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, कुछ ऐसे फीचर्स आपको टॉप मॉडल में यानी कि अल्फा वेरियंट में मिल जाते हैं, जो की आपको जेटा वेरियंट में नहीं मिलते हैं। अगर आप फ्रोंसा कोई ऐसा वेरियंट देख रहे हैं जो की फीचर रिच हो, फीचर की कोई भी आपको कमी महसूस ना हो, तो आप इसके अल्फा वेरिएंट के साइड जा सकते हैं, क्योंकि काफी बढ़िया है फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो। सिर्फ 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है जेट एंड अल्फा वेरिएंट में, फिर इतने प्राइस में जो फीचर्स की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो फिर आपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सा वेरिएंट आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो चलिए फिर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, फिर किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।